अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, मैं यहाँ खड़ा हूँ बिल्कुल बंगश हाउस के सामने और मिठाई अड्डा के पास। यहाँ क्योंकि आज मंगल का दिन है और मंगल सस्ता बाजार लगाया गया है, अभी मैं देख रहा हूँ कि ये फर्स्ट टाइम बाजार लगाया गया है। बाकी एक सस्ते बाजार की कहानी भी सुनेंगे। यहाँ जो लोग हैं जिन्होंने स्टॉल लगाए हुए हैं उनसे, और साथ साथ जो लैंड ऑनर हैं उनके साथ उनसे थोड़ी सी गपशप करेंगे। और ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में TMA की तरफ से यहाँ सस्ते बाजार, उसके साथ साथ रेडी खड़ा और मंडी वगैरह, फूल मंडी वगैरह भी सस्ते का प्रोग्राम है। तो जगह माशाल्लाह काफ़ी वसी और ईस्ट है। और बाकी इनसे सुन गपशप करेंगे कि ये क्या कहते हैं, आज का दिन का कैसा गुजरा और क्या है कि नेक्स्ट कब तक ये जारी रहेगा और क्या क्या हवा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? आमिर राम। आमिर भाई, आज चूंकि मंगल सस्ता बाजार आपने जबरदस्ती एक इब्तिदा की है और होनी भी चाहिए, तो क्या कहेंगे कैसा रिस्पांस है? माशाल्लाह मुझे अच्छा बाजार है जी। ए नवीद भाई इनकी काविश है, इन्हें सनापड़ी जगह दी थी इधर, आज पहला बाजार रस्ता लगे थे, मुझे अच्छा बाजार है। इनशाला मजीद अगर और अच्छा हो सी, इतना सा कोल लंडे का माल होंगे, अच्छा चप्पल होने, अच्छा क्राकरी होंगी, हर चीज तकरीबन होंगी है। इनशाला अगले बाजार जेडे ऐसा जा रहे हैं इनशाला इस बीच भी आसन ते और भी मजीद सब्जी वाले हुसैन, फ्रूट वाले हुसैन ने। अच्छा सुबह तो होने तक दुकानदारी हुई है, तुम मुतमईन हो? माशाल्लाह मुतमईन है जी, इनशाला बहुत अच्छी दुकानदारी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हूँ जरा नमाजा टाइम है, जरा जैसे जरा फारग हुए हैं, इनशाला अल्लाह तक काम आसा ठीक आसा माशाल्लाह अच्छा बेहतर। बाजार को चीज मुनासिब मिल जुलती है, असा लोग अच्छा है जो स्टाल लाने वाले लोग आसन इतना स्टाल लासे इंशाल्लाह और मजीद लोग ज्यादा आसन असा सारे सिस्टम अच्छा चल सी। आम बाजार को तुसी चुके इस टाइम सियाल है, सियाल भी ऑलरेडी माल चलता भी है और महंगाई है जी जी, हमारे नाल लंडा इथा आना यानी लोगों को काफी फायदा होती है हुआ, क्योंकि बाजार को लो हट के इथा लेडीज की इजीली आने जी जी, तो तुम को लेडीज वगैरह भी आई, लेडीज भी आई हैं माशाल्लाह, लेडीज भी आई हैं, बच्चे भी आने, स्कूल के कॉलेज के बच्चे आने और बुजुर्ग आने आने के मेन सामान जुलते रहने अल्हम्दुलिल्लाह। इथा एक ओ जा मॉल है ना, एक मोहल्ले वाला मॉल है, लेडीज कोल मॉलन लेडीज आने सामान के अंदर जुलते रहने। आम बाजार तो तुसी कितने एक सस्ता दे? आम बाजार तो भाई जान असे तकरीबन 50 भी नहीं 70% असे तो सब रियाद देने इंशाल्लाह। हां जी तुसी सारे लोकल हो या? असे मनसिर आए हैं। और कितना कितना तुसी बाजार वगैरह? असे बाजार लाने अवेलियां तक लाने, अवेलियां तो अलाई तक लाने है जी जी। नेक्स्ट इंशाल्लाह तो सके प्रोग्राम इंशाल्लाह मंगल को, इंशाल्लाह मंगल को अगर इस बार से आए ने 8 बजे अगले मंगल को इंशाल्लाह से 4 बजे तो इंशाल्लाह इतने मुतमईन। बहुत शुक्रिया जी। ठीक है जी, लैंड ओनर जो है नवीद साहब, उनसे भी हम थोड़ी सी गपशप करेंगे कि नवीद के ज़हन में ये कैसे आ गया और क्या ये नवीद क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम नवीद। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया आज न्यूज़ को टाइम देने के लिए। क्या कहेंगे नवीद आज मंगल बाजार का, आखिर आपने इफ्तिताह किया, हम कहेंगे कि कफल टू का खुदा खुदा करके, तो किस तरह का रिस्पांस है, ये जो लोग आए हैं यहाँ पे इनका क्या कहना है और आप कैसे? ये काफ़ी अरसे से मैं लगा हुआ था कि अपने इलाके के लोगों को काफ़ी मुश्किल थी, यहाँ पे बाजार में रश होता था और इस साइड पर जगह मैंने तैयार की हुई थी, तो अभी TMA वालों के साथ भी मेरा ये प्रोसेस लगा हुआ है, 2-3 दिन में वो भी हल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह सब्जी भी यहाँ पे मिलेगी, फ्रूट सब्जी बाजार की जितनी रेड़ियाँ एक्नॉलेजमेंट सारी यहाँ पे आ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा आप इसका रिस्पांस कैसा समझते हैं नवीद? सुबह से सुबह जब मैं ड्यूटी पे जा रहा था, मेरी आपसे मुलाकात हुई थी, तो आप इस तक दो में लगे हुए थे, तो अभी भी चूँकि सामने ही आपका भी सिस्टम है यहाँ पे बिजनेस है, तो आप क्या समझते हैं लोगों का बहाव किस तरह है, लोग आए हैं नहीं आए हैं? आज तो काफ़ी लोगों को पता भी नहीं है, आपकी मीडिया की तवज्जो से अभी इंशाल्लाह लोगों को काफ़ी पता चल जाएगा, तो लोग धीरे धीरे आना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। अगली मंगल से इंशाल्लाह ये बाज़ाब्ता मंगल के दिन काफ़ी सामान इसमें क्रैकरी भी लेके आएंगे, आज तो पहला दिन था इसलिए थोड़ा सा वो झिझक थी, पता नहीं काम चलेगा नहीं चलेगा, इंशाल्लाह अगली मंगल से इंशाल्लाह बाज़ाब्ता इसका सही ऐलान किया जाएगा जी। अच्छा इसके साथ साथ जैसे रेहड़ियाँ और खड़े जो बाजार के हैं स्पेशली सब्जी और फ्रूट के, वो भी यहाँ शिफ्ट होने जा रहे हैं, तो आपके पास स्पेस आगे और कितनी है कि अगर वो लोग भी आए तो बाकी भी यहाँ मंगल बाजार भी लग सकेगा? तकरीबन मेरे पास यहाँ पे स्पेस 5 किनाल तक है, 5 किनाल खाली।
तो अभी तक टीएमए से आपकी बात हुई है, टीएमओ साहब से या टीएमए के अहलकारों से, कि कितनी उनके पास रजिस्ट्रेशन हुई है? रजिस्ट्रेशन फिलहाल से 100 के लगभग हो गई हैं, और मजीद वो भी आज भी वो इंस्पेक्टर साहब बाजार में घूम रहे थे, और काफी जो तजावजात थे उनको उन्होंने नोटिस दिए हुए हैं, बस 2-3 दिन में यहाँ पे शिफ्टिंग शुरू हो जाएगी। अच्छा, जो आपके अड्डे के मालकाना चार्जेस होते हैं वो आप कितने ले रहे हैं? आमतौर पे जहाँ पे ये लोग हैं लड़ी वाले, वहाँ जितना ये देते हैं उनसे कम है, ज्यादा है या उतना कम है? मेरे ख्याल से अभी तो उस पर डिसाइड नहीं किया, लेकिन तकरीबन दिन का 70 रुपए बन जाएगा एक रेडी का, 20 रुपए टीएमए का टैक्स होगा, सफाई वगैरह लाइटिंग वगैरह करेंगे, बाकी 50 रुपए मालिकाना होगा। तो वहाँ पे आपके इलम में है कि जो लोग हैं बाजार में वो कितना देते हैं वहाँ पे मालिकाना या टैक्स वगैरह कितना देते हैं? वहाँ पे तो 15,000, 20,000, 10,000 कम अज कम महीने के देते हैं, यहाँ पे 1500 बन जाएगा या 1600 बन जाएगा। ठीक है नवीद, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज़। ये एक और भाई यहाँ मौजूद हैं जी, चुके उन्होंने भी स्टाल लगाया हुआ है, पश्तो में बोलेंगे या उर्दू में बात करेंगे? बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल गनी है जी। अब्दुल गनी, आपने किस चीज़ का स्टाल लगाया? मैंने तो आज ऐसे कंबल वगैरह शगैरह लगाए हैं। नवीद भाई का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने जो ये यहाँ पे जगह दिया है और बड़ा अच्छा माहौल है। तो क्या समझते हैं आप, अभी तक जितने आपके कस्टमर्स आते रहे आप मुतमईन हैं? इंशाल्लाह हम मुतमईन हैं, आगे भी इस तरह सिलसिला जारी रहा तो बहुत मजा आएगा। तो आप क्या कहेंगे जो बाकी लोग हैं वो इस तरफ अगर आना चाहें तो क्या पैगाम देंगे, बल्कि आप पश्तो में पैगाम दे रहे हैं? बहुत से हमारे व्यूअर्स जो हैं वो पश्तो स्पीकिंग हैं, बहुत से यार मैं तो यही पश्तो में बता दें, पश्तो क्यों है? पुख्तू की बहुत उदासीम शेयर दिलो खुरातल पकार दी साइड एरिया था नदा से तंग जाए खो कोलाव जाए दे अगुल पर खुदा डेरा खो खबर है दे अगु दगो किया आओ न साइड एरिया दे फैमिली बच्चों सर उम्र रात ली शी पहुंच लाए बच्ची उम्र इस दे शी साइड दे बाजार के जाए कमी रश डेरी दल देता तो सुमरा रियायत का है, सुमरा सस्ता शे और का यार जी मुंगा हो कम से कम यार वो पदरे में सनन कम सौदा खर्च कर दे जी मुंगा जी मजीद ऊंचे लेके मुखा भी ठीक है जी जरा जी। व्यूवर्स तो ये माशाल्लाह जबरदस्त सा ये जो इनका फैसला था मंगल बाजार के लिए, और मजीद भी जैसे इन्होंने कहा कि जी और भी चीजें यहाँ पे रेडी स्पेशली सब्जी की, फ्रूट की, थड़े वगैरह ये भी आएंगे। और आगे को अगर मैं जगह आपको दिखा सकूं तो काफी सारी जगह है, जैसे कि जो यहाँ के ओनर हैं नवीद, उनका भी यही कहना था कि तकरीबन 5 कनाल जगह है यहाँ पे। एक और भाई खड़े हैं, इन भाई से भी बात करेंगे, इन्होंने भी चूंकि स्टॉल लगाया हुआ है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? नाम मेरा जहूर अहमद है जी, मैं कराची सिंध के बड़े शहरों के बाजारों में, सस्ते बाजारों में काम करने वाला एक नुमाइंदा हूँ, कंपनी का नुमाइंदा। आज सुबह आप कितने बजे यहाँ पे आए? आज सुबह हम तकरीबन अजान हुई उधर से निकले मानसरा से, तो इधर हमारे भाई ने बोला कि इधर एक जोगी में सस्ता बाजार लग रहे, तो हमने बोला कि चलो पहले जाते हैं अपनी एक स्टॉल की जगह बनाते, और इंशाल्लाह ये इधर इलाके के आवाम बड़े मुफीद होंगे इससे। तो आप क्या समझते हैं अभी तक सुबह से जो आपके पास ग्राहक आए हैं, कस्टमर आए हैं, उनका नहीं, नहीं, कैसा है? नहीं नहीं उनका बर्ताव भी बहुत अच्छा है, और वो भी बड़े खुश है कि इस इलाके में एक सस्ता बाजार है, आवाम में सहूलत से फायदा मंद मुफीद हो सके। बाजार से भी एक तरफ जो है यहाँ लेडीज का स्पेशली आना जाना जो है बहुत एक्सेसिबल है और बड़ा महफूज है जी। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप कस्टमर्स को, इसके साथ साथ जो लोग अगर यहाँ पे इंटरेस्टेड हो अपना खड़ा या स्टॉल लगाने के लिए, तो उनके लिए क्या पैगाम आपको? उनके लिए पैगाम है जी, ये जो बंदा इधर के लगवा रहे है वो भाई के बड़े अच्छे नाइस बंदे हैं, और इस इलाके के भी वो भाई के अपने इलाके को भी मुफीद करना चाहते हैं, गरीब आवाम के लिए ज्यादा फायदा होगा इससे कि बड़े शहरों की तरह भाई के ये एक सस्ता बाजार है मंगल बाजार। जैसा आपने कहा सस्ता बाजार है, तो आम जो कीमत जैसे आप कम होगी जी, ये कैसी है ये तो कैसे होता है जैसे क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ी निकलते हैं मैदान में वो मैच होता है, इन लोगों का भी एक कस्टमर इनका मैच होता है एक तरह से, ये जितने नीचे जाते हैं बस उस तरह लोगों को भाई के ज्यादा फायदा होता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम जी। तो व्यूअर ये जैसा कि आपने ये सुना जी, इन्होंने बाजार लगाया हो और कह रहे हैं जी रिस्पांस भी काफी अच्छा है, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये काफी कामयाब रहेगा और आवाम को सहूलत यहाँ पे सबसे बड़ी जो मैं ये समझता हूँ कि लेडीज के लिए बड़ी महफूज जगह है,
चूंकि बिल्कुल एक साइड पे हैं और यहाँ से चारबाग से आते हुए अगर जो भी लेडीज कस्टमर हैं उनको आगे बाजार की तरफ जाना ही नहीं पड़ेगा। और अनकरीब जैसे कि नवीद ने हमें बताया कि वो यहाँ पे सब्जी फ्रूट इस चीज के स्टॉल भी लगाएंगे और इसके साथ साथ ये मंगल सस्ता बाजार जो है हो सकता है कि ये आगे नेक्स्ट कई दिनों में यानी जुम्मा सस्ता बाजार इतवार सस्ता बाजार उसमें भी चेंज हो सकता है और बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो लोगों को जरूर इस तरफ आना चाहिए और फायदा उठाना चाहिए। ये अगर आप देखें तो बिल्कुल खाली जगह जो है वो काफी सारी है। ये आगे ताहदे नजर आप देख सकते हैं, वो सामने जो बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं उस बिल्डिंग तक सारी जगह ही खाली जगह है और सारी इनकी अपनी है और सारी जगह ये देने में इंटरेस्टेड हैं। बहरहाल आप हमारा साथ ऐसे दे सकते हैं कि आप हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जितने लोगों तक हम बात अपनी पहुंचाना चाहते हैं तो उन तक हमारी बात पहुंच जाए, हमारा मोटो मकसद पूरा हो। बहरहाल इजाजत दीजिएगा डॉक्टर अतीक चांद को, इस उम्मीद के साथ कि जिंदगी रही तो बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह।